हम लोग 613 नियम पढ़ते आ रहे हैं, उसी 613 नियम को हम लोग अगला पॉइंट, हम लोग कितना पॉइंट हो गया था, पहला क्या था, पहला पॉइंट अस्तित्व पर विश्वास करना, दूसरा था दूसरे को ईश्वर करके नहीं मानना, तीसरा निंदा नहीं करना, उसके बाद अपवित्र नहीं मानना और पवित्र जानना, तो कितना हो गया, पाँच हो गया। तो टोटल अभी अपना 5 पॉइंट हो गया। आज हम लोग छठवां पॉइंट देखेंगे, इंग्लिश में है टू नो दैट गॉड इज वन, टू नो दैट गॉड इज वन। हिंदी में आप लिखेंगे यहोवा परमेश्वर एक ही है, यहोवा परमेश्वर एक ही है। व्यवस्था विवरण उसका 6:4, व्यवस्था विवरण 6:4, ड्यूटरोनॉमी 6:4। हे इस्राएल, हाँ सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। मराठी है, मराठी में पढ़ो। हे इस्राएला, श्रवण कर, आपला देव परमेश्वर हा अनन्य परमेश्वर आहे। तमिल में इस्रवेले केल, हाँ नम्रे देवनागे कर्तर उर्वरे कर्तर, हाँ हमारा परमेश्वर एक ही परमेश्वर है। ठीक है, प्रार्थना करें। जीवित पिता, आपको धन्यवाद स्तुति हो, प्यारा परमेश्वर पिता, हर एक बार प्रभु अलग अलग वचनों को हमारे के लिए आप दिए जा रहे प्रभु जी, हमारे ऊपर रखा हुआ प्यार के कारण प्रभु जी, आपका पहचान में बढ़ने के लिए आप हमारी सहायता कर रहे हैं, आपके हाथों पर प्रभु जी अपने आप को सौंपते हैं प्रभु, हम एक एक के साथ आप बात करें, आपकी आवाज़ को हम लोग को सुनने के लिए हमारी मदद करो प्रभु, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। हाँ, एक और बार हिंदी में पढ़ेंगे। हे इसराइल, सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तो आज हम लोग इस वचन से देखेंगे परमेश्वर कितना है, एक ही है। आम तौर पर हम लोग दुनिया में देखते समय में अनेक देवी देवताएं हैं, क्या है, अनेक देवी देवताएं हैं। ये देवी देवता कैसा आया ये मैं अगला बार आपको बता कर दूंगा। देवी देवताएं कितने हैं, अनेक हैं, अनगिनित है, सबका, सब जात का, सब भाषा बोलने वालों का, सब गांव वालों, सबका अपना अपना क्या है, देवी देवता है। लेकिन किसी से भी अगर पूछा जाए कि परमेश्वर कितना है तो क्या बोलते हैं, एक ही है। तो ये बात सत्य है, सबके हृदय में छपा हुआ है परमेश्वर कितना है, एक ही है, एक ही है ये परमेश्वर। सब बोलते हैं लेकिन सबसे माना नहीं जाता, परमेश्वर कितना है, एक ही है, लेकिन ये सबको पचता नहीं है। क्या बोल रहा हूँ मैं, अभी हम बोलते हैं कि ये तो दूसरे लोग दूसरे दूसरे देवी देवता को मानते हैं, हम विश्वासी में से भी अनेक है, परमेश्वर एक है, क्या करते हैं, जानते हैं, लिखा है इस पर विश्वास भी करते हैं, लेकिन मेरे जीवन में वो क्या नहीं होता है, पछताने, मुझसे वो क्या बोलते हैं, हजम नहीं होता। नहीं समझ में आया, अभी समझो एक हार्ड भोजन हम सब लोग खा रहे हैं, इसमें एक उम्र वाला व्यक्ति है, वो भी हमारे साथ क्या कर रहा है, खा रहा है, हम क्या बोलते हैं, ये भी इंसान ही है ना, खाओ खाओ कुछ नहीं होएगा। लेकिन वो भी भूख के कारण या खाने का टेस्ट के कारण वो भी दबा के क्या कर लेगा, खा लेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा, बच्चे लोग को तो तुरंत हजम हो जाएगा, जवान लोग को तो हो जाएगा, लेकिन बूढ़ा आदमी को क्या नहीं होगा, हजम नहीं होगा, रात को नींद नहीं, फिर क्या 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 पचे वगैरह हो जाता है। बात मेरे को समझ में आ रहा है। इसी तरह से हम लोग दुनिया को नहीं देखेंगे, कलीसिया में भी हम में से कितने हैं जो ये बात पर विश्वास करते हैं परमेश्वर कितना है, एक है, लेकिन वो एक ही परमेश्वर है, ये मैं इसको, मेरा विवेक, मेरा हृदय इस बात से जल्दी क्या नहीं हो रहा है, सहमत नहीं हो रहा, क्या नहीं हो रहा है, सहमत है। इसमें समझाने के लिए पिछला सप्ताह हमने देखा था कि प्रभु कैसा हृदय चाहिए,
क्या होना चाहिए वो महसूस होने वाला है ना, महसूस होने वाला हृदय, ये हम लोग गया बार देखा था ना। तो हाँ, तो परमेश्वर सबसे क्या करता है, बात प्रेम करता है, सबसे बात भी करता है, लेकिन सबको उसकी आवाज़ क्यों नहीं सुनाई देती है, ये महसूस होने वाला हृदय नहीं होने के कारण। अभी आज हम लोग उसी बात को थोड़ा साथ में लेते हुए, हम लोग परमेश्वर एक ही है, लेकिन ये मेरे से मेरे को ये कन्फर्म नहीं हो पा रहा है कि परमेश्वर सचमुच एक ही है या नहीं। हम प्रार्थना करते, गीत गाते, वचन पढ़ते, सब करते, लेकिन मैं उसको साबित नहीं कर पाता हूँ कि परमेश्वर क्या ही है, एक ही है। इसलिए क्या बोल रहा है, हे इसराइल तू क्या कर, सुन, वापस पढ़ो, हे इसराइल सुन। तमिल में क्या लिखा, खेल, इन मराठी में श्रवण कर, श्रवण कर का मतलब क्या, अंदर ले ले, स्वीकार कर, स्वीकार कर, सुन। ये बात क्या बोल रहा है, इसराइल तू क्या कर, सुन। सुन बोलने का पीछे का एक बड़ा क्या है, कार्य है। इसराइल नहीं सुनने के कारण ही इसराइल भी कभी कभी किधर चला जाता था, अन्य देवी देवता के पास क्या कर जाता था, जाता था, नहीं जाता था। इसलिए इधर एक बात जोर देकर बोल रहा है, सुनेगा तो तू क्या करेगा, मानेगा परमेश्वर कितना है, एक है। तो आज हम विश्वासियों के अंदर एक और खूबी बढ़ाना, गया बार हमने पढ़ा था कौन सा खूबी होना चाहिए, महसूस। परमेश्वर घटना के द्वारा मेरे जीवन में कुछ परिस्थिति ला रहा है, उसके द्वारा प्रभु हमसे बात करता है, मुझे वो पहचान आना चाहिए। कई एग्जाम्पल आपको बताया था, अभी हम लोग का दूसरा एक आदत लगाना है, हमें क्या करना है, सुनना। किसका आवाज़ है, परमेश्वर की आवाज़ को क्या करना है, सुनना। इसलिए एक वचन आप साथ में पढ़ने के विषय यही है, परमेश्वर एक है, ये मैं भी बोलना चाहिए, हाँ वो क्या है, एक ही है। वो बोलने के लिए मुझे क्या बनना है, सुनने वाला बनना है। एक वचन पढ़ेंगे उसके लिए, यशाया 30 का 21 से लेकर 23। जब कभी तुम दाहिने या बाई ओर मुड़ने लगो, जब कभी तुम दाहिने या बाई मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा। इधर लिखा है तब तुम्हारे पीछे से, तुम्हारे पीछे से ये वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा। हाँ, यही शब्द को आप दूसरा लैंग्वेज में, इंग्लिश में क्या लिखा, And thine ear shall hear a word behind thee, saying, बस तमिल में क्या लिखा, लाइन पूरा पढ़ो, समझ में आ रहा है। एक आवाज सुनाई देगा, ये आवाज कैसा रहेगा, ये जब भी परमेश्वर सिनाई पर्वत पर उतर कर आया था ऐसा आवाज नहीं होगा। कैसा आवाज, सिनाई पर्वत पर जब परमेश्वर उतर आए थे, हाँ, इसराइल का हालत खराब, वो आवाज नहीं। ये कौन सा आवाज है, इसका नाम हम देंगे स्वीट साउंड, क्या एक इनमें आना, हाँ स्वीट साउंड, मधुर आवाज, या दूसरा शब्द बोलेंगे धीमी आवाज, ये शब्द लिखो, क्या लिखेंगे, धीमी आवाज। तमिल में मेल्लिय सत्तम, मेल्लिय सत्तम, मेल्लिय सत्तम बोलेगा तो सॉफ्ट और इजीली रिकॉग्नाइज नहीं हो पाएगा। अभी एक इसको समझाने के लिए आपको अगर बोलो, अभी मेरे समझाने के हिसाब से, अभी भी आप लोग गाना सुनते हैं ना कैसेट में, यूट्यूब में गाना सुनते हैं, गाना सुनते समय देखो अलग अलग वाद्यों को क्या किया जाता है, बजाया जाता है, लेकिन जिसको उसका टेस्ट है वो उसमें का एक एक इंस्ट्रूमेंट का आवाज़ को क्या करेगा, वो पहचान लेगा, और उसका जो वो बनाने वो बजाया का उद्देश्य को वो क्या कर लेगा, और समझ लेगा कि वो क्या मोड के लिए
इस वाद्य का इस्तेमाल किया और इसमें यही क्यों बजाया, उसमें अभी वो गाना सुनते समय उसमें कई इंस्ट्रूमेंट का मिक्स आवाज है, कई इंस्ट्रूमेंट का मिक्स आवाज है, इसमें से स्वीट साउंड को अलग से क्या करने का निकालने। इसी तरह से संसार में कई आवाज हमारे कानों में क्या करती है, गूंजती है, इनके बीच में एक क्या आवाज सुनाई देगा, मधुर धीमी आवाज, ये आवाज सबका कान क्या नहीं करेगा, नहीं सुनेगा। जैसा गाना चलते समय में कई वाद्य बजता है, सबका अपना अपना खूबी है, सबका अपना अपना मिठास है, इन सबको मिलाकर मेरा हृदय खुश होने जैसा एक धीमी आवाज उसमें से, जो गाना का जिसको ये है अनुभव है या जो चाह है, वो उस मिठास को सुनकर क्या हो जाएगा, वो गाना सुनकर मजा आया, ये गाना सुनकर क्या आया, मजा आया। चलो ठीक है, वो खाना खाने में भी देखो ऐसी खाने वाले भी है, चलो जो मिला क्या है खाए, लेकिन उसमें से एक टेस्ट को चून कर निकलने वाला भी कुछ लोग होते हैं, वाह आज का खाना तो मेरा मन भर गया। मैं क्यों ये सब उदाहरण बता रहा हूँ, इसी तरह से दुनिया में कई आवाज़ें हमारे कानों में क्या करती है, गूंजती है, गूंजते समय में सब कुछ आवाज़ तेजी से है, कुछ आवाज़ भयानक है, कई आवाज़ सुनती है, लेकिन पीछे से एक धीमी आवाज आता है, ये आवाज को जिसने सुना वो ही बोल सकता है परमेश्वर एक। बोलने के लिए मुंह से जुबान से बोल देगा, लेकिन मैं बोल रहा हूं ना खाना खाकर वो जो टेस्ट को जिसने चखा वो क्या बोलता है, वाह, वो जो अनुभव किया वो उसी को मालूम है वो वाह का अर्थ क्या है। गीत सुनने वाला भी वो गीत खत्म होते ही बोलेगा वाह, मेरा मन ही क्या भर गया, आनंद से भर गया, बात समझ में आ रही। इसी तरह से परमेश्वर एक ही है करके मन से कहना है, ये सबकी बस की बात नहीं है, इसराइली को इसलिए बोल रहा है तू क्या कर, सुन, ये सुनने का बात तो सब सुनता है, हम भी वचन सुनते हैं, लेकिन ये वचन सुनते समय में एक धीमी आवाज जो आपकी तरफ आती है, बीज बो रहे सबके लिए क्या किया जा रहा है, बोया जा रहा है, लेकिन आत्मिक जीवन में बढ़ना है, परमेश्वर की पहचान में बढ़ना है, इन प्रचार के वचन के बीच में, या आप घर में जब वचन पढ़ते समय में रेगुलर पढ़ने वाला वचन ही है, लेकिन इसके अंदर से कभी कभी एक क्या निकलता है, एक धीमी आवाज निकलता है, मन भर जाता है। अनुभव किया आपने, अगर अभी तक इसमें वीक है, हाँ अनुभव कभी कभी किया, हाँ एक दो साल पहले हुआ, वीक है ऐसा नहीं रहना, रोज भाई एक वचन अगर आप पढ़ लेगा ना, उसके अंदर का वो मिठास को आप क्या करना, वो धीमी आवाज, मैं मिठास बोलते समय उसका अर्थ समझ क्या है, परमेश्वर कैसा बात करता है, धीमी आवाज, ये आवाज सबको सुनने वाला नहीं है। हाँ अभी क्या बोला, ऐसे हमें पढ़ो एक बार, जब कभी तुम दाहिनी या बाई ओर मुड़ने लगो तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, मार्ग यही है, इसी पर चलो, इसी पर चलो, तब तुम वह चांदी, तब तुम वह चांदी, वह चांदी जिससे तुम्हारी खुदी हुई मूर्तियाँ मड़ी है, मड़ी है, और वह सोना, वह सोना जिससे तुम्हारी ढली हुई मूर्तियाँ अभूषित है, हाँ, अशुद्ध करोगे, हाँ, तुम उनको मैले कुचैले वस्त्र के समान फेंक दोगे, फेंक दोगे, और कहोगे, कहोगे दूर हो, दूर हो, वह तुम्हारे लिए जल बरसाएगा, हाँ, कि तुम खेत में बीज बो सको, हाँ, और भूमि की उपज भी उत्तम और बहुतायत से होगी। हाँ, जो व्यक्ति ये धीमी आवाज को सुनेगा, कौन सा आवाज, ये आवाज को सुनने वाले को, वो दाहिने बाएं मुड़ते समय में उसको ये आवाज पीछे से क्या करती रहेगी, कानों में सुनाई देगी कि मार्ग यही है। ये आवाज को जो सुनकर चलता है,
सुनने वाला है। अभी हम बोलते हैं हम लोग भी क्या करते हैं, सुन रहे हैं। सुनने वाले के अंदर क्या दिखेगी, क्या दिखेगी, परिवर्तने दिखेगी। क्या परिवर्तन दिखेगी, उसने परमेश्वर को छोड़कर किसी और चीज को सोने से, चांदी से मढ़ी है और उसको क्या किया, आभूषित किया है। वो वाक्य को पूरा पढ़ो। तब तुम वह चांदी, तब तुम, ये आवाज को सुनने वाले भाई बहन, तब तुम वह चांदी जिससे तुम्हारी खुदी हुई मूर्तियां मढ़ी है। मढ़ने का मतलब समझ में आना, क्या किया है, लेयर बना। हाँ, मढ़ी है। और वह सोना जिससे तुम्हारी ढली हुई मूर्तियां आभूषित है। तुम्हारी मूर्तियां, इधर क्या भला है, तुम्हारा एक मूर्ति है, उसको तुमने किससे किया, चांदी से, सोने से क्या किया, मढ़ा है, आभूषित। आभूषित करने का मतलब क्या है मालूम है, आभूषित करने का मतलब उसका ओरिजिनल रंग कुछ और है, इसको और क्या करना, और कि ये और आकर्षित हो, ये है आभूषित करना। हाँ, आभूषित तुमने किसको किया है, तुम्हारे लिए एक मूर्ति है, उस मूर्ति को तुमने क्या किया है, आभूषित किया है, अशुद्ध करोगे, इसको तुम क्या करोगे, अशुद्ध। आज तक इसको क्या मानते थे, अच्छा मानते थे, इसको भाव के ऊपर भाव, रोज इसके लिए कुछ ना कुछ क्या करते थे, करते थे। लेकिन अभी उसको क्या करोगे आप, कभी वो धीमी आवाज को सुनेगे, आप इन चीजों को अभी धीरे धीरे क्या करना शुरू करोगे, इनको हटाना शुरू, अशुद्ध करना शुरू करोगे। और तब उनको मैले कुचेले वस्त्र के समान फेंक दोगे, क्या करोगे, मैले कुचेले वस्त्रों के समान क्या कर दोगे, फेंक दोगे, और कहोगे दूर हो। इंग्लिश में क्या लिखा हो, इतना लास्ट वर्ड लगवाड़ा, गेट दी हेंस। इसका मतलब हमारा नॉर्मल लैंग्वेज में अगर बोले गेट लॉस्ट, क्या, किसको, हमने अपने लिए खोद कर रखा हुआ मूर्ति को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इंग्लिश में बोलो क्या बोलेंगे, गेट लॉस्ट, चल निकल। नहीं समझ में, स्कूल में कभी कोई बच्चा गलती करके, उसको जब प्रिंसिपल को रूम में बुलाया जाता है, आप लोग गया था क्या, नहीं गया वाला, मैं तो एक बार जाके आया तो अंदर जाकर मे आई कम इन मैडम, बोलेगा तो हु आर यू, टीचर फलाना क्लास का, टीचर ने मेरे को आपके पास क्या किया, क्या बोलेगी, गेट लॉस्ट फ्रॉम माई साइड, मेरे सामने से क्या हो जा, मतलब वो जो वो गेट लॉस बोलते समय उसको क्या नहीं दे रहा है, भाव ही नहीं दे रहा है। मैं क्यों ये बात आपको बता रहा हूँ, अगर परमेश्वर एक ही है करके आप जान रहे, आप अगर बोल रहे कि मैं उसकी धीमी आवाज को सुन रहा हूं, अगर आप धीमी आवाज को सुनोगे तो सर्वप्रथम सम्मान किसको दोगे, परमेश्वर को। और क्या मानोगे, ये एक ही परमेश्वर है। अगर आप इसको एक ही को मान रहे हैं, कैसा मालूम पड़ेगा, आपने अपने लिए कितने मूर्तियां बना के रखे। मूर्ति बोले तो क्या है आपको मालूम है, मूर्ति बोले तो क्या है, जिसको हम ज्यादा समय देते हैं, परमेश्वर का स्थान देते हैं, है ना। अगर परमेश्वर ना रहे, जैसा इसराइल ने क्या बोला, मूसा मर गया कोई बात नहीं, ये सोने की मूर्ति हमको क्या करेगा, अभी से चलाएगा, नहीं समझ में नहीं, मूसा नहीं आया तो क्या हो गया। अभी इसी प्रकार से हमारे पास कई मूर्तियां हैं, अगर मूर्ति के बल से अगर आज भी चल रहे हैं तो हम परमेश्वर को क्या नहीं मान रहे, नहीं मान रहे, एक ही है बोलकर क्या नहीं कर रहे, ये क्यों माना नहीं जा रहा, क्यों कंफ्यूज हो जाते। आप परमेश्वर एक ही है या अनेक है, ये कभी कभी समस्याएं आते समय, विपरीत परिस्थिति आते समय आप खुद हड़बड़ा जाते हैं कि परमेश्वर एक ही है या नहीं, क्यों ऐसा हो जाता है, क्योंकि हम उसके धीमी आवाज को क्या नहीं करते, नहीं सुनते। सीधी बात, अगर आप धीमी आवाज को सुनने वाले होंगे
आप विपरीत परिस्थिति में भी कहेंगे यहोवा एक ही है। तो तुम मूर्तियों को क्या करोगे, लास्ट में क्या बोल दोगे, दूर हो जा। अगर ये मेरे परमेश्वर के बीच में आएगा मैं उसको क्या बोल देगा, दूर हो जा। अगर तुम ऐसा करोगे, नीचे दिया गया आशीष तुम पर क्या करेगा। हाँ, अभी वो आशीष आप पढ़ लो, आपको चाहिए तो। हाँ, क्या लिखा है आशीष? वह तुम्हारे लिए जल बरसाएगा, जल बरसाएगा कि तुम खेत में बीज बो सको, तुम बीज बो सको और भूमि की उपज भी उत्तम और बहुतायत से होगी होगी। उस समय तुम्हारे जानवरों को लंबी चौड़ी चराई मिलेगी। बस ये पूरा घर में जाकर पढ़ लो, बहुत आशीष मिलेगा। करना क्या, कैसा आवाज है ये, आवाज किधर सुनने को मिलेगा? वो शांत वातावरण में जाके उधर पहाड़ में किधर सुनने मिलेगा? कई आवाज के बीच किधर? इसके लिए ये आवाज सुनने के लिए आप शांत एरिया में जाकर बैठकर ऐसा आंख बंद करके बैठने से नहीं सुनाई देगा। कई आवाज, कई परिस्थिति होते समय में उसके अंदर से क्या देगा, एक आवाज। वो आवाज सुनने के लिए जो तैयार है उसी को क्या करेगा, सुनाई देगा। समझाने के लिए अभी एक घटना हम लोग बाइबल से पढ़ेंगे, हमने पढ़ा हुआ घटना ही है, प्रेरित के काम उसका दूसरा अध्याय एक से लेकर पढ़ेंगे। जब पिंतेकोस्त का दिन आया, जब पिंतेकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे, वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से एक बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, हाँ, और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे, हाँ, गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। ये आग उनमें से सभी के ऊपर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, वे पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, वे अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से, आकाश के नीचे में के हर एक जाति, आकाश के नीचे ये शब्द का क्यों वापर किया गया? दुनिया भर में इसराइली क्या कर दिए गए थे, बिखेर दिए गए थे। परमेश्वर ने इनको क्या कर दिया, बिखेर तितर बितर कर दिया था, इसलिए बोला आकाश के नीचे, पृथ्वी का एक छोर नहीं बचा। तो आकाश के नीचे हर एक जाति में से भक्त यहूदी, ये वर्ड को अंडरलाइन कर लो, कौन सा यहूदी, भक्त यहूदी, हाँ, यरूशलेम में रह रहे थे। क्यों रह रहे थे, इनको क्या काम था उधर? आकाश के नीचे के हर एक जातियों में के भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। क्यों? अब वहाँ बोलो क्या है, पेंतेकोस्त का पर्व था भाई। कौन सा पर्व था, है ना, पुराने नियम में जो यहोवा ने बनाने के लिए कहा था उसमें से कौन सा पर्व था, पेंतेकोस्त का पर्व था। इसलिए ये लोग कहाँ से आए थे, आकाश के नीचे बोलते समय में पूरा पृथ्वी के कोने कोने से यरूशलेम में कौन आए थे, भक्त यहूदी। इधर एक वर्ड इस्तेमाल किया है, कौन सा यहूदी, इंग्लिश में क्या दिया, डिवोट मैन, तमिल में देव भक्ति उल्ल यूदरगल, मतलब यरूशलेम में दुनिया के कोने कोने से लोग क्या किए थे, क्यों आए थे भाई, पेंतेकोस्त का पर्व था। परमेश्वर का नियम है साल में 3 बार यहोवा के सामने प्रत्येक पुरुष को क्या करना है, जाना है। अभी पुरुष जाएगा तो थोड़ी पुरुष जाएगा, वो भी साथ में किसको भी लेके जाएगा, स्त्री बच्चों को भी क्या करेगा, लेके जाएगा। तो यरूशलेम में एक क्या है, त्योहार का मौसम, उधर कई रिश्तेदार मिलने आएंगे, है ना, बोलचाल होगा, नए नए लोगों से मुलाकात होगा, पुराना 15 पीढ़ी के पीछे का आदमी भी क्या करेगा, मिलेगा, मुलाकात होगी। तो कुछ लोग मेला मनाने के लिए भी किधर जाता था,
पेंतेकोस्त के पर्व में यरूशलेम में क्या करते थे, जाते थे, लेकिन उधर कुछ कौन जा रहे थे, भक्त यहूदी। ये भक्त यहूदी का वर्ड क्यों इस्तेमाल किया, ये भक्त यहूदी कौन है, ये वो है जो मसीहा का आने का बाट जो रहे थे। कौन है? आज प्रार्थना में आए सब लोग आते हैं, कई कारण है। एक तो नहीं जाएगा तो पूछेगा, दूसरा संडे है घर में बैठ के भी क्या करेगा, ठीक है हमको तो नहीं सुना, कम से कम बच्चे लोग तो क्या करें, कई बहाने हैं। इसी तरह से यरूशलेम में आने वाले है सब यहूदी, किधर किधर से आए थे, दुनिया आकाश के नीचे, मतलब जिधर जिधर दुनिया के कोने से सब आए थे, लेकिन उनके बीच में कौन था, कुछ भक्त यहूदी थे। ये भक्त यहूदी कौन है, ये वो है जो व्यवस्था को अच्छे से क्या करते हैं, पढ़कर उसमें जो आने वाली मसीहा को बारे में लिखा गया उस बात का विश्वास करके उसका खोज के साथ रहने वाला यहूदी। वो हर घटना में यही देखना चाहता है कि मसीहा यहां से तो नहीं आएगा, यहां से तो नहीं आएगा, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है करके क्या करता है, खोजते घूमने वाला यहूदी था। कौन सा यहूदी? भक्त यहूदी। अभी पढ़ो आगे। ये भक्त यहूदी क्या कर रहे थे, यरूशलेम में रह रहे थे। जब यह शब्द यरूशलेम में, और एक प्रोग्राम चल रहा है, क्या प्रोग्राम चल रहा है, हाँ एक प्रोग्राम चल रहा है, पर्व का समय है ना, पर्व का समय है। कौन सा पर्व है गोविंद भाई, समझ में आ रहा है, धीरे से जा रहा हूँ समझने की कोशिश। कौन सा पर्व चल रहा है, एक तो पेंटिकोस्ट का पर्व, बहुत लाउड स्पीकर सब लगा कर जोरदार उधर क्या चल रहा है ना, हमारा गांव में हम लोग देखा है, आप लोग ने शायद नहीं देखा होगा, मसीह लोग का इसमें एक हफ्ते का पर्व होता है भाई, वो तो स्वर्ग ही लगता है, लाइटिंग वीटिंग डालकर सुबह शाम खाना सब, उस दिन घर में किसी का नहीं बनेगा, सातों दिन किधर ही बनेगा, चर्च में एक जन खाना पकाने जाएगा, एक जन कलर मारने के लिए जाएगा, एक बड़ा क्या लगता है त्यौहार, सब रिश्तेदार लोग आए रहेंगे। इसी तरह से यरूशलेम में एक बड़ा मेला चल रहा है, मेला चलते समय एक साइड में ये त्यौहार चल रहा है, दूसरा साइड में एक और त्यौहार चल रहा है, कौन सा है, पवित्र आत्मा पाने के लिए बैठे हुए 120 लोग, उनके रूम में क्या है, एक बड़ा आवाज चल रहा है। ये आवाज के बीच में बाकी लोगों को कुछ पड़ी नहीं है, क्या मालूम कुछ करते होंगे, ये भी कोई जाति दूसरा देश में से कुछ नया धर्म सीख कर क्या किया आए रहेगा, आए होंगे ये लोग, अपना पूजा पाठ कर रहे, करने दो। लेकिन ये भक्त यहूदी का कान किधर चला गया, ओ हो, विषय आपको समझ में आ रहा, वो जो धीमी आवाज का अर्थ आपको समझ में आ रहा है, ये सबको नहीं सुनाई दे। भक्त यहूदी का कान अभी पेंतेकोस्त का पर्व में नहीं, किधर, ये जो आवाज आ रहा है उसकी तरफ इनका कान क्या हो गया, आकर्षित हो गया। मन वो अभी बकरी ऐसा ऐसा करता ना अपना कान को, कुत्ता भी करता है, मैं मेरा विषय समझ में आ रहा है। इसी तरह से बैठे इनको आवाज कौन से तरफ खींच रहा है, वो 120 लोग बैठे उस रूम की तरफ इनका कान क्या कर रहा है, तभी क्या हो रहा है, जब यह शब्द हुआ हाँ, तो भीड़ लग गई, भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था, हर एक बोलते समय इधर कौन है, मेले में आया हुआ कोई गिनती नहीं इधर, अभी अभी विषय किसका है, जो भक्त थे उनका झुंड पूरा किधर इकट्ठा हो गया, ये रूम के पास इकट्ठा हो गया उनको, और लोग घबरा गए, ये लोग घबरा गए क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था, डर किस बात का, इनके चिल्लाने से डर नहीं है, यहाँ पर एक टीम बैठकर कुछ तो कर रहा है, ये सब लोग
ये जो अलग अलग जगह से आए पृथ्वी के कोने कोने से, उनकी उनकी भाषा में बोल रहे थे। वो भी कैसा, मैंने एक भाषा में बोला, अंशिका ने एक भाषा में बोला, ऐसा नहीं, आदमी एक ही है, एक ही आदमी चार पांच भाषा क्या कर रहा बोल रहे, चकित हो गए। चलो बोल तो रहा है तो कुछ गड़बड़ी भाषा नहीं बोल रहा है, इनका भाषा उनको समझ रहा है जिसका वो भाषा है। नहीं समझ में, अब समझ रहे नहीं समझ रहे, यहूदी का एक ही भाषा है, कौन सा भाषा, इब्रानी भाषा। अभी मैं क्यों ये बात बोल रहा हूँ, दूसरा दूसरा भाषा भाई बट गए, अभी मुंबई में आया इसलिए आपको मराठी आता, गांव में रहते तो मराठी आता था। तो अभी आप आपके गांव में गए, आपके गांव में एक प्रार्थना चल रहा उधर मराठी में, बोली अरे ये आवाज़ तो मुंबई का आवाज़ लग रहा है, मुंबई वाला इतना आया लगता है। मैं वैसे समझ रहा, इसी तरह से दुनिया भर से आया हुआ यहूदी बोल रहा है, अरे ये आदमी ये इधर का गलील के रहवासी लोग हैं, ये लोग कौन सा भाषा बोल रहे हैं, अपना गांव का भाषा ये लोग कैसा बोल रहे हैं। आगे वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं, ये लोग जो बोल रहे हैं ना, क्या सब गलीली नहीं, ये लोग कौन है, देखो तुरंत उनका रिकॉर्ड भी निकाल दिया, ये लोग कौन है, गलीली। गलीली बोलते समय गलील में ज्यादातर क्या है, पढ़े लिखे लोग नहीं है, गलील के लोग पढ़े लिखे नहीं, सब कौन है, बिजनेस माइंडेड मछुआरे, बस कमाने का और क्या करना, खाने का। गलीली लोग है, ये लोग के अंदर इतना एजुकेशन अचानक कहाँ से आ गया कि ये लोग सब भाषा क्या कर रहे हैं, इंटरनेशनल स्कूल तो इधर हमारे यरूशलेम में नहीं है, इंटरनेशनल स्कूल तो हमारे यरूशलेम में, इनको इतना भाषा कहाँ से आ रहा है। हाँ तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है। हाँ हम जो पार्थी और मेदी और इलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कप्तुकिया और पुंतुस और आसिया और फ्रुगिया और पंफुलिया और मिश्र और लिबिया देश जो कुरेनी के आसपास है, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले। ये देखो ये कितने भाषा है, अब इतने भाषा भी कैसा है आपको मालूम है, फिर भी अभी ये विषय को हम लोग बाद में जाएंगे, मैं आपको बता के दूंगा। हाँ इतने भाषा बोलने वाले, क्रेती और अरबी भी है, परंतु अपने अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये लोग कुछ क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं, बोलते समय में है कौन ये लोग, गलीली। भाषा किसका बोल रहे हैं, हमारा भाषा बोलता, जो बात कर रहा है वो उनको क्या कर रहा है, बराबर। अच्छा समझने वाले ने क्या सुना, इसमें क्या सुनाई दिया, ये लोग परमेश्वर की बड़े बड़े कामों की चर्चा कर। पढ़िए सब अपना बाइबल से पढ़िए, क्या लिखा है तमिल में, क्या लिखा तमिल में, हाँ ओ क्या बोल रहे, ये लोग भाषा बोलते ठीक है लेकिन भाषा बोलते समय अगड़म बगड़म कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं, बड़े कामों की क्या कर रहे हैं। ये बात को सुनकर ये लोग विस्मित क्यों हो गए, विषय समझ में आ रहा आपको, बारी की बात सुने सुने, लाउड स्पीकर बज रहा है, मीटिंग चल रहा है पेंटेकोस्टल मीटिंग, उसके बीच में इनको एक धीमी आवाज इनको आकर छू रहा है। ये धीमी आवाज क्या है, है गलीली, भाषा बोल रहा है विदेश का, बोलते समय में भी ये लोग किसी को ब्लेसिंग का बात नहीं बोल रहा है, या सफेद शर्ट वाला लाल शर्ट वाला करके नहीं बोल रहा है, क्या बोल रहा है, अच्छा ये क्या चीज है, परमेश्वर के बड़े कामों की चर्चा। ये कौन करता था, हम लोग घर में जाकर पढ़ लीजिए निर्गमन 15 अध्याय 1 से 18,
निर्गमन 15:1-18 हाँ, ये कौन सा मरियम का गीत? ये मरियम कौन है? मूसा की बहन। ये कभी गाना गाई थी? लाल समुद्र पार करने के बाद क्या बोलकर गाना गा रही थी? बच गए ऐसा। परमेश्वर के बड़े कामों को वर्णन कर गीत परमेश्वर की महिमा के लिए जो गीत गाया जाता है उसमें क्या गाना चाहिए? खुशियां मनाओ, बज गए, नाचो गाओ, वो आना चाहिए। ये उधर लिखा है कि मरियम अपने कुछ टीम को लेकर डफ बजाते हुए नाचते हुए क्या कर रही थी, लेकिन गाते समय क्या गा रही? वर्णन करने के लिए उसने डांस का इस्तेमाल किया और अभी देखो मैं अभी बोल रहा हूँ, गोविंद भाई इधर आओ, ऐसा बोलना गोविंद भाई इधर आओ, इसमें कुछ फर्क है क्या? गोविंद भाई इधर आओ, हाँ मैं सिर्फ बोला गोविंद भाई इधर आओ, इसमें कुछ मालूम पड़ा? नहीं मालूम पड़ा, लेकिन मैंने थोड़ा सा क्या किया, थोड़ा एक्शन को साथ में डाला तो मेरा शब्द का क्या आया? एक पावर आया। इसी तरह से मरियम गीत गाते गाते क्या भी कर रही है? डफ भी बजा रही है, नाच रही है, क्या करते हुए? बस वो आवाज कब, ये मरियम ने उधर एक ही बार गाया करके बाइबल में लिखा है, लेकिन असली में इसराइली 40 साल का सफर में चलते जाते समय थकान महसूस ना हो इसलिए चलते चलते क्या करते थे? गीत गाते थे। कौन सा गीत गाते थे? यही गीत वर्णन करते थे। समझ में आ रहा? इसको और थोड़ा समझाने के लिए, कोई मशीन उठाते समय आपने देखा होगा ये मार दका ऐसा बोलने में, और वो लोग देखो एक साथ मिलकर बोलते, एक जन एक आवाज देगा ओ हो, तो उसमें एक जोर लगा के ऐसा एक आवाज देगा, पीछे से सब लोग मिलकर एक साथ क्या करेंगे, तो वो मशीन आराम से क्या कर जाता है? हिल जाता। मेरा बोलने का मतलब समझ में? इसी तरह से इसराइली अपना सफर को क्या बोलकर गीत नहीं बोलना, सफर को काटते थे। परमेश्वर का भक्त यहूदी भी अपना सफर इस गीत को गा गा कर ही क्या करते थे? अभी जो यरूशलेम में आए ना भक्त यहूदी, इनके जीवन में वो गाना खत्म नहीं, ये लोग ना बच्चों को बायहार्ट करा देते थे, क्या करते थे? पीढ़ी दर पीढ़ी वो गाना क्या रहता था? बायहार्ट रहता था। यहूदी है तो उसको ये गीत क्या करना ही चाहिए? आना ही चाहिए, लेकिन बाकी तो टाइम पास के लिए या मजबूरी के लिए पढ़ते थे, लेकिन परमेश्वर का भक्त जो था इसका टेस्ट को चक चक कर क्या करता था? गाने वाला ये व्यक्ति को इधर जो टीम में बैठे ना, इनको ध्यान से सुनते समय में इनको क्या आवाज़ सुनाई दिया? वही परमेश्वर का तारीफ करते हुए। तब उन्होंने समझ लिया कि चाहे गलीली है लेकिन कौन ही है? अपना ही आदमी। क्या बोला? अपना आदमी। नहीं समझ में आया विषय? समझ में आ रहा है? आत्मा को परखने का भी एक क्या है? वरदान है। क्या है? आत्मा को परखने का भी एक क्या है? वरदान है। सामने वाला व्यक्ति से वचन सुनते समय में भी ये अपने मसाला डाल रहा है या परमेश्वर के पास से ही क्या कर रहा है? पाकर दे रहा है। इसमें से प्रभु ही मेरे से बात कर रहा है, ये आत्मा को परखने वाला क्या कर लेता?
हम भी समझो कोई अलग कलीसिया में भी जाएगा, अगर भक्ति यहूदी है, कौन सा यहूदी, भक्त यहूदी है, उधर बैठते समय समझ में आ जाएगा कलीसिया किसके ताकत से चल रहा है। तो अगले बार इनके साथ संगति करना नहीं करना हम खुद क्या कर लेंगे। अगर भक्त नहीं है तो बोलेंगे हाँ हमारे इधर भी गीत गाता है, इधर भी गीत गाता है, उधर भी प्रचार होता है, इधर भी घुटने में प्रार्थना करते हैं, इधर भी, मतलब हम सब क्या है। लेकिन मैं क्यों ये विषय को आपको बोलना चाह रहा हूँ, यहूदी बहुत सारे थे, दुनिया भर से आए थे, इतने प्रोग्राम के बीच में सब अपने प्रोग्राम में व्यस्त है, लेकिन भक्त यहूदी को क्या सुनाई दिया, इधर एक टीम है जो क्या कर रहा है, परमेश्वर की बड़े कामों की चर्चा कर रहा है, वो भी हमारे भाषा में कर रहा है बोलते समय में। इन्होंने समझ लिया ये जो हम मसीहा का बांट जो रहे हैं ना, हम में कहीं कोई ये है। वो यहूदी माने नहीं माने, लेकिन उसने क्या माना, हम किसकी खोज कर रहे हैं, मसीहा का खोज कर रहे हैं। मसीहा का खोज करने वालों में से ही ये लोग भी हैं। तब ये लोग ने कुछ उधर रिएक्शन नहीं हुआ, खाली इतना हो गया ये अपना आदमी, क्या है अपना आदमी। इसके बाद आप नीचे पढ़ सकते हैं, पत्रस खड़े होकर बाद में क्या करने लगा, प्रचार करने लगा। तभी उन यहूदियों में से जिनको ये आवाज उनके कान में पड़ी, उन्होंने में से कितने जन उधर पाए, समझ में आया। तो कोई अन्य जाति उद्धार पाने के लिए पहले उसका कान में भी क्या सुनाई देना, ये धीमी आवाज जैसे ये यहूदियों को, भक्ति यहूदियों को सुनाई दिया। जो भक्ति यहूदी बोलते, मैं आज का भाषा में अगर बोलूं, परमेश्वर का सच्चा खोजी अलग अलग धर्मों के अंदर भी है। सही समय में परमेश्वर वो आवाज को उनको सुनने के लिए रखेगा, वो समझ लेगा मैं जिसका चाह कर रहा हूं वही लोग है ये। उसके बाद फिर हम उनके पास क्या सुनाएंगे, वचन सुनाएंगे, क्या पाएगा, उद्धार पाएगा। तो मैं कौन होना चाहिए, मैं कौन होना चाहिए, कौन सा आवाज, धीमी आवाज सुनने वाला होना चाहिए। मैं उदाहरण के लिए आपको बताया, ये यहूदी भी, ये भक्ति यहूदी कौन सा आवाज सुनते हैं, धीमी आवाज, पहचान लिया ये हमारे लोग हैं। उसके बाद जब पत्रस बोला, पत्रस का बात को क्या हो गया, सहमत हो गया, और क्या भी पाए, उद्धार भी पाए। उसके अलावा कितने यहूदी उधर आए थे, उन्होंने अपना पर्व मनाया, अपने घर चला गया। धीमी आवाज का अर्थ आपको समझ में आ रहा है, प्रभु से क्या प्रार्थना करेंगे, प्रचार तो सभी लोग सुन रहे हैं, लेकिन ये प्रचार के अंदर एक मेरे लिए एक आवाज है, वो मेरे कानों तक क्या करना है, पहुंचना है, एहसास होना है ये प्रभु किससे बात कर रहा है, मेरे से बात। अब घर में भी वचन पढ़ते समय में, कोई घटना को देखते समय, घर में आप प्रार्थना करते समय में, मुझे हर वक्त क्या सुनना है, परमेश्वर की वो धीमी आवाज को क्या करना है, सुनना। और एक विषय मैं आपको समझा देता हूँ, हम लोग प्रेरित पौलुस को बारे में जानते हैं ना, प्रेरित पौलुस को जानते हैं। अच्छा, पौलुस कौन है, उसका पद क्या है, सेवा में उसका पद क्या है, प्रेरित। अगर किसी को प्रेरित बोलकर बोलना है, वो व्यक्ति का खूबी क्या है, हम पढ़ेंगे प्रेरित के काम पहला अध्याय 22 से लेकर पढ़िए। उचित है हाँ,
कि उनमें से एक व्यक्ति हाँ, हमारे साथ हाँ, उसके जी उठने का गवाह हो जाए हाँ, तब उन्होंने दो को खड़ा किया हाँ, एक यूसुफ को हाँ, जो बरसबा कहलाता है हाँ, जिसका उपनाम युस्तुस है, दूसरा मत्तिया को, और यह प्रार्थना की, हे प्रभु तू जो सबके मन में मन को जानता है, यह प्रकट कर कि इन दोनों में से तूने किसको चुना है कि वह इस सेवकाई और प्रेरिताई का पद ले जिससे यहूदा छोड़कर अपने स्थान को चला जाएगा। तब उन्होंने उनके एक उनके बारे में चिट्ठियां डाली और चिट्ठी मत्तिया के नाम पर निकली, अतः वह उन 11 प्रेरितों के साथ गिना गया। यह विषय आपको मालूम है, क्या घटना हुआ? यहूदा मर गया, यीशु मसीह का पुनरुत्थान होकर यीशु मसीह उठा लिए गए। उठा लिए जाने के बाद अभी जहाँ पर 12 होना चाहिए था वहाँ पर कितना है? 11 है। तो इसको अभी 12 वापस करना है। तभी प्रेरित लोग ने मिलकर एक मीटिंग किया कि क्या किया जाए। तब उन्होंने बोला, हम लोग ऐसे व्यक्ति को ढूंढेंगे जो उधर लिखा है पुनरुत्थान का साक्षी बने। तमिल में क्या लिखा? எங்களோடு கூட சாட்சியாக ஏற்படுத்த வேண்டும். இஸ்கா மத்தலப், அகர் யே 12வா நம்பர் மே வியக்தி ஆனா ஹே, வோ வியக்தி விட்னஸ் கா மத்தலப் கியா ஹே, உஸ்னே ஆக் சே தேகா ரஹனா ஜி, यीशु कैसे थे, चलते फिरते थे, भलाई के काम करते थे, मारे गए, गाड़े गए, तीसरा दिन जी उठा, इसको लाइव अपने आंखों से देखा हुआ व्यक्ति ही क्या बन सकता है? प्रेरित का उस स्थान में क्या कर सकता है? आ सकता है। ये एक क्वालिफिकेशन रख के उधर उन्होंने जब ढूंढना शुरू किया, उनको दो जन ठीक लगा। कौन था? एक एक कौन? यूसुफ, यूस्तुस। हाँ, यूस्तुस जो बरसबा, हाँ, जो बरसबा भी कहलाता था। दूसरा मत्तिया। दूसरा कौन है? मत्तिया। यूसुफ को जो बरसबा, जिसे यूस्तुस भी कहते हैं, और दूसरा व्यक्ति था मत्तिया। ये दो व्यक्ति को सामने लाया गया कि इनको लगा ये दोनों ओके है, लेकिन अभी दो है। अभी इसमें से अगर एक को बोलेगा कि आप बैठ जाओ, आप खड़ा रहो, बोलेगा तो आपने भेदभाव किया करके क्या करेंगे? बोलेंगे। तो पुराना नियम का आदत है, ऐसा कभी विषय आ जाएगा तो क्या डालते थे? चिट्ठी डालते थे। तो प्रार्थना के साथ चिट्ठी डाल रहे कि प्रभु ये व्यक्ति हम में से एक होना चाहिए, मतलब हम लोग जैसा आपके साथ उठे बैठे आपको नज़दीकी से जाने थे, वैसा ये व्यक्ति भी होना चाहिए। इस उद्देश्य के साथ प्रार्थना करके क्या डालें? चिट्ठी डाले। चिट्ठी किसके नाम पर निकला? मत्तिया के नाम पर निकला। मत्तिया को किसके जगह पर रखा गया? यहूदास के जगह पर डालकर 12 नंबर को इन्होंने क्या कर दिया? पूरा कर दिया। लेकिन प्रेरितों ने अपना काम कर दिया, प्रार्थना पूर्वक ही किया, लेकिन ये विषय परमेश्वर को सेटिस्फाइड नहीं था। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? आगे ये मत्तिया के बारे में कोई हिसाब किताब, कोई गवाही देते हुए ऐसा कुछ मिल रहा है आपको? किधर नहीं मिलता। लेकिन बाकी चेहरों को देखो, किसी ने पत्री लिखा, किसी ने कुछ काम किया, किसी को कुछ इतिहास में कुछ नाम है, लेकिन ये मत्तिया के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसका अर्थ क्या है? ये प्रभु के हाथ से आगे क्या नहीं हुआ? इस्तेमाल नहीं हुआ। परमेश्वर इस विषय से क्या नहीं था? उसमें संतुष्ट नहीं था। क्यों संतुष्ट नहीं था? प्रेरित कौन है? प्रेरित कौन है जिनको रात भर प्रार्थना करके सुबह आकर कईयों के बीच से क्या करके निकाला था? यीशु ने चिट्ठी डाल के क्या चुन कर ना, आप लोग इधर ही रुक गए, उधर आ जाओ पीछे। ये पत्रस, यूहन्ना, अन्द्रियास, इन सबको चुनते समय में रात भर यीशु क्या किए? प्रार्थना किए, सुबह आकर सबको, हाँ तुम आ जाओ,
हाँ तुम आ जाओ, इनको क्या किया था, चुन कर इनको बाद में तैयार कर कर भेजा था। प्रेरित का नाम का अर्थ क्या है, भेजा हुआ, द सेंट वन, भेजा हुआ। भेजे हुए में से अभी कितने हैं, 11 है। ये 12वां जो था क्वालिफिकेशन के हिसाब से, इसने यीशु को देखा है लेकिन यीशु के साथ उठक बैठक नहीं किया, फिर भी इन्होंने सोचा चलेगा, नंबर कैसे भी क्या करना, 12 पूरा करना। लेकिन परमेश्वर इस विषय में क्या नहीं थे, कुछ संतुष्ट नहीं थे। तब परमेश्वर ने एक व्यक्ति को क्या किया, चुना, उसका नाम है पौलुस। उसका नाम क्या है, पौलुस। अब ये 12वां नंबर में जो प्रेरिताई का काम करने में सक्षम व्यक्ति निकला तो वो कौन निकला, अब ये आप बोलेंगे ये पौलुस कौन है, इसने तो कभी यीशु को देखा नहीं, ये तो कभी यीशु के साथ उठा बैठा नहीं, इसको कैसा सिलेक्ट किया परमेश्वर। आप मत्यास के बारे में बोल रहे थे, ठीक है मत्यास नहीं उठा बेटा इसलिए आपने उसको निकाल दिया, अब पौलुस कौन सा जो यीशु के साथ उठ बैठ किया, पौलुस निर्दोष था, व्यवस्था जानता था, लेकिन असली में ये पौलुस कौन है, यीशु को लोग को मारने वाला, मर्डर करने वाला, इसको तो क्या ही नहीं करना चाहिए, लेना ही नहीं चाहिए, फिर कैसा लिया। यही पौलुस अपने मुंह से एक बात बोलता है, 11 अध्याय, पहला करंती 11 अध्याय, उसका 23वां वचन पढ़िए, 23वां वचन। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची, हाँ, और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी है, हाँ, कि तुम प्रभु यीशु ने, हाँ, जिस रात वह पकड़वाया गया था रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी, हाँ, और कहा, हाँ, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है मेरे स्मरण। बस पहला लाइन खाली पड़ी है, क्योंकि यह बात बोले तो कौन सा बात, ये प्रभु भोजन के विषय का जो बात है, ये बात मुझे प्रभु से पहुंची। मुझे किससे पहुंची, इधर पौलुस क्या बोल रहा है, मुझे ये विषय ना तो पत्रस ने सिखाया, ना यूहन्ना ने सिखाया, चेलों में से 11 में से किसी ने भी मेरे को ये बात क्या नहीं किया, नहीं बता के दिया, क्यों, लेना नहीं चाहते थे। इन्होंने तो किसको चुन के रखा था, हत्या को। इसलिए ये विषय मुझे किसने सौंपी, मतलब इसका परमेश्वर के साथ एक नजदीकी संबंध है जो किसके अंदर नहीं था, मत्यास के अंदर नहीं था। विषय समझ में आ रहा है, अभी कैसा इसका, इसने यीशु को देखा क्या, ये बोलता मुझे प्रभु की ओर से क्या की, कहाँ रख के दिया भाई, इसने देखा ही नहीं तो कहाँ रख के दिया इसको, उसके लिए हम पढ़ेंगे गलाती 1:16। जब इच्छा हुई, हाँ, कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे, हाँ, कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, हाँ, तो न मैंने मांस और लहू से सलाह ली, हाँ, और न यरूशलेम को उनके पास गया, हाँ, जो मुझसे पहले प्रेरित थे, पर तुरंत अरब को चला गया। इधर ध्यान देना, वापस पढ़ो। जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे, किसका इच्छा हुई, परमेश्वर को इच्छा हुई कि अपने पुत्र को मुझे प्रकट करे। अभी आप ध्यान दीजिए, दमस्कुस जाते समय में एक आदमी ने इसको पकड़ा था ना, कौन पकड़ा था, वही यीशु ने इसको पकड़ा था, उस समय इसने यीशु को क्या नहीं किया था, देखा नहीं। ये कौन है पूछ रहा है, इसका मतलब नहीं पहचाना, और पहचानने से पहले आंख क्या हो गया, अंधा हो गया। कितने दिन के बाद, 3 दिन के बाद ही आप खुला, तब तक ये मैटर खत्म भी हो गया, तभी उसने यीशु को क्या नहीं किया, देखा नहीं, लेकिन आवाज सुना, जिसको सता रहा है ना वही यीशु मैं हूँ, लेकिन वो यीशु कैसा है, तभी उसने क्या नहीं किया, नहीं देखा।
उसने सिर्फ क्या सुना था, आवाज सुना, बाद में प्रभु के मर्जी के लिए सौंप कर तैयार हो गया। बाद में कई दिनों के बाद, कई सालों के बाद, जब परमेश्वर चाहा कि अपने पुत्र को इस पर प्रकट करो, क्यों, प्रेरिताई वही कर सकता है जिसने यीशु को देखा, उसको अच्छे से जानता है, उठा बैठा, उससे सीखा हो और उसको पुनरुत्थान होते हुए उसने क्या किया हो, देखा हो, तब इसे समझ में आ रहा है। समझा तो आगे जाना, प्रेरिताई का काम कौन कर सकता है, और मेन बात है उनका जी उठा हुआ चीज को स्वयं अपने आंखों से क्या किया हो। तभी पौलुस को परमेश्वर ने कई प्रोसेस के अंदर से लेके जाकर फिर फैसला लिया कि अपना पुत्र को मैं इसे क्या करूं, प्रकट करूं। तभी क्या हो गया, प्रकट करने का बात आते समय पढ़ो अभी उधर से, जब इच्छा हुई हाँ कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, हाँ। तो ना मैंने मांस और लहू से सलाह ली, ये पौलुस बोलता है, ऐसा जब एक समय आया तब मैंने किससे सलाह नहीं लिया, मांस और लहू से सलाह नहीं लिया, और ना यरूशलेम को उनके पास गया, जो बोलता है बाइबल क्लास के लिए, बाइबल स्टडी के लिए, बाइबल स्टडी के लिए किसके पास, यरूशलेम में नहीं गया, क्योंकि यरूशलेम हेडक्वार्टर था, हमारा मेन चर्च किधर है, उधर जाकर क्या नहीं लेने गया, क्लास लेने के लिए नहीं गया, जो मुझसे पहले प्रेरित थे, पर तुरंत अरब को चला गया, तुरंत किधर चला गया, अरब को चला गया, और फिर वहां से दमिश्क को लौट आया, हाँ। फिर 3 वर्ष के बाद मैं कैफा से भेंट करने के लिए यरूशलेम गया, ये वचन को नोट करो ध्यान से और एक बार पढ़ो, फिर 3 वर्ष के बाद, नहीं नहीं इसके पहले से पढ़ो, और ना यरूशलेम को, ना यरूशलेम गया, उनके पास गया, उनके पास गया जो मुझसे पहले प्रेरित थे, ये सीनियर पास्टर्स लोग है, किसी के पास नहीं गया, पर तुरंत अरब को चला गया, किधर चला गया, अरब को चला, ये खुद से नहीं गया, जब परमेश्वर इसको अपने आप को प्रकट करना था, परमेश्वर इसको किधर लेके गया, अरब में ले गया, ले जाकर, और फिर वहां से दमिश्क को लौट आया, उसके बाद वो दमिश्क में लौट आया, कितना टाइम लगा, फिर 3 वर्ष के बाद, कितना साल, 3 साल, मतलब इसका ट्रेनिंग किधर हुआ, अरब में, कितना साल, 3 साल, जैसा मूसा 40 दिन रात किधर था, सिनाई पर्वत पर था, ये पौलुस ऐसा ही, समझ में आया, क्या किया, 3 साल इसको परमेश्वर ने अरब में लेके चला गया, यरूशलेम में हेडक्वार्टर में नहीं लेके गया, पुराने लोगों से थोड़ा क्या कर, हाँ उधर नहीं लेके गया, अब इसका ट्रेनिंग लाइव किसके साथ हो रहा है, मसीह के साथ, जहां पर ये यीशु का भविष्यवाणी से लेकर, यीशु का जन्म से लेकर, यीशु का जीवनी, यीशु की सेवकाई, यीशु का मारा जाना, सब लाइव टेलीकास्ट क्या कर रहा है, देख रहा है, हाँ लाइव टेलीकास्ट, ये कैसेट खत्म होने के लिए कितना टाइम लगा, 3 साल, 3 साल, अच्छा समझ में आया, और एक बार पढ़, जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, हाँ। तो ना मैंने मांस और लहू से सलाह ली, हाँ। और ना यरूशलेम को उनके पास गया, हाँ। जो मुझसे पहले प्रेरित थे, हाँ। पर तुरंत अरब को चला गया, और फिर वहां से दमिश्क को लौट आया, फिर 3 वर्ष के बाद मैं कैफा से भेंट करने के लिए यरूशलेम गया, और उसके पास 15 दिन तक रहा, बाद में किधर गया, सीनियर पास्टर के पास क्या गया, ये सब समझने के बाद, इसलिए पहला करंती 11 अध्याय में पढ़ा, ये मैंने किससे नहीं लिया, ना 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 ना,
ग्यारहवां अध्याय प्रभु से। हाँ हाँ, ये विषय मैंने प्रभु की ओर से पाया। किधर रख के? कितना दिन? बैठने के कारण प्रभु ने इसको सब लाए, उसको सामने क्या किया, करके दिखाया। इसीलिए जिस व्यक्ति वो रात किधर नहीं था, वो मेज में नहीं था, ये पौलुस उधर थोड़ी मेज में था, नहीं था, सेम जैसा यीशु कर रहा है वैसे ही ये क्या कर रहा, कर रहा है। वो अध्याय मनु बार बार हर प्रभु वचन के समय हम पढ़ते हैं, उसने रोटी ली, थोड़ी धन्यवाद दी, फिर क्या की, तोड़ी और चेलों को बांट दिया। दाकरस को भी ऐसा किया, सेम जैसा यीशु कर रहा। कहाँ से सीखा, समझ में आ गया आपको? मतलब मैं ये इतना बड़ा सब चक्कर क्यों कटवा रहा हूँ? क्या सुना? वो धीमी आवाज कैसा सुनता है? ये नहीं 3 साल का ट्रेनिंग करके आ गया, क्या बन गया, पास्टर बन गया। ये नहीं कि यरूशलेम में बैठकर पास्टर बना, या तो ये नहीं कि पुराने अपोस्तल के पास बैठकर क्या किया, इसने किसकी ओर से सीखा? विषय समझ में आ रहा? वो धीमी आवाज को सुना हुआ सौल पौल बनकर क्या कर रहा, सेवकाई करते समय में ऐसा काम कर रहा है जैसा कि वो यीशु के साथ में बैठकर क्या किया है। मैं क्यों ये बात आपको बोल रहा हूँ, हमने भी यीशु को क्या नहीं किया, तो मैं कैसे मानूं परमेश्वर ये की है, या मैं कैसे मानूं ये ही क्वेश्चन आ रहा है। आमतौर से मुसलमान भाई लोग पूछते हैं, तुम्हारा बाइबल में एक जगह में मुझे साबित कर दिखाओ कि यीशु कहता है कि मैं ही परमेश्वर। क्या बोल रहा है? मैं ही परमेश्वर। देखो हम लोग दूसरों के पास सुसमाचार बोलने जाते बड़ा मजा आता है। किसी ने अगर एक क्वेश्चन पूछ दिया, फंस गया तो गया। सही है, ये सब जानकारी रखना बहुत जरूरी है। ऐसी जगह में फंसा देंगे फिर हमारे पर, फिर उस जगह पे शायद मानना पड़ जाएगा, हो आप बोल रहे हो क्या है। हाँ भाई, मैंने कभी ऐसा बाइबल में है ना, ऐसा नहीं हो जाए बोलकर ही। प्रेरित का काम ऐसी खिलौना के हाथ में परमेश्वर देने के लिए नहीं रखा। मैं प्रेरित का बात क्यों बोल रहा हूँ, ये जो सेवकाई हो या एक परमेश्वर की ओर से मिलने वाली जिम्मेदारी हो या एक अभिषेक का बात हो, अभिषेक बोले तो एक काम के लिए नियुक्त करना, एक बोझ को शेयर करना परमेश्वर के साथ। हम क्या सोचते हैं, नींद से उठ गया तो हमको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, नहीं। परमेश्वर उसको देने से पहले हमें ये यीशु के उसका पूरा जीवनी लाइव क्या किया हो, इतना ही नहीं, मरे हो में से जी उठे हो को क्या करना, देखा हुआ हो। अब ये कैसे देख पाएंगे, करे क्या, किधर जाके देखेगा, कौन ये प्रोग्राम टीवी डाल के देगा, क्या करेंगे, क्या करेंगे? प्रभु वचन तो है, वचन मैं तो आपको बताया, वचन तो सब लोग मानते, सब पढ़ते, लेकिन थोड़ा अभी से आगे बढ़ना, क्या करना, ये बोला मेरे को सीखने का है प्रभु, तो प्रभु ने बोला ठीक है मैं तेरे को क्या करूँगा सिखाऊ, किधर लेके गया, अरब में लेके गया। प्रभु मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि प्रभु आपको अरब में चाइना में लेके जाए, वो नहीं बोल रहा हूँ, ये एकांत स्थान में आपको प्रभु रखकर एक दिन दो दिन नहीं सालों साल लग जाएगा प्रभु के पास पढ़ा रहकर, जब तक इस चीज को क्या नहीं करेंगे, खुद चखे नहीं। अभी करने का करना क्या, नहीं बाबा ये मेरे से तो नहीं होगा, ऐसे बोलना है, क्या करना है, प्रभु मरने से पहले जैसा पौलुस ने, हाँ आपका पूरा जीवनी को स्वयं अपनी आंखों से देखा और ऐसा ऐसा कार्य कर रहा है जैसे कि वो यीशु के साथ ही
चला था, ये प्रभु ऐसा ही मेरे जीवन में क्या कर कर, ताकि मैं भी आपके हाथ में इस्तेमाल होने वाला एक बर्तन बनूं। समझ में आ रहा? इसलिए मैं क्यों ये बात बोल रहा हूँ, जब जब मौका मिले, अपना काम काज हो गया, काम करते करते भी आपका ध्यान इधर उधर ना भटके, आवाज़ बहुत आवाज़ आएगी, उसके बीच में वो धीमी आवाज़ को क्या करते रहो, सुनते रहो, और सब काम हो गया ज़्यादा से ज़्यादा समय वचन पढ़ो और क्या करो, ये खुद से करो, कोई बोल के होने वाला नहीं है, है ना। भक्त यहूदी बनो, अभी क्या करना, भक्त उस मेसिया का खोज बनकर चलते समय प्रभु ने मेरे ऊपर एक बड़ा योजना क्या किया है, रखा है, एक बड़ा योजना रखा है। इसलिए जब जब समय मिलेगा, जब जब समय मिलेगा, दुनिया को ना देखे, पुराना आदमी को ना देखे, पौलुस ने वो अपोस्तल के पास नहीं गया, उनको मत देखो, मुझे आपसे क्या करना, सीखना। ये चाह रखते समय मूसा की तरह 40 दिन किधर लेके चला जाएगा, सिनाय पर्वत पर ले चला जाएगा, या अरब देश में क्या करेगा, लेके जाएगा, या मेरे लिए और कोई स्पेशल जगह प्रभु ने क्या किया हो, रखा हो, मुझे लाइव मुझे उससे देखने गए, मुलाकात करने का क्या मिले, मौका मिले, फिर मुझे जिस काम के लिए प्रभु ने चुना है वो काम मेरे से क्या कर सकता है, हो सकता है। तो प्रभु ने दिया हुआ काम जो है ये मेरे मर्जी से चलने वाला नहीं है, मैं थक जाऊँगा अगर खुद के बल से करने जाऊँ। तो पौलुस बोलता ना, मैं थकता नहीं, क्यों नहीं थकता है, क्यों निराश नहीं होता है, ओ देखा है भाई, समझ में आया। चेले भी यीशु के, ये पौलुस का अच्छा से समझ में आ गया। अच्छा, अभी यीशु के साथ जितने चेले थे उनका क्या, वो लोग का आना कैसा हुआ, वो भी थोड़ा सा वचन पढ़ लेंगे। मरकुस 9 का 7 पहले पढ़िए। तब एक बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है, हाँ, इसकी सुनो, इसकी क्या करो, सुनो। तब उन्होंने एकाएक चारों ओर दृष्टि की, हाँ, और यीशु को छोड़ अपने साथ और किसी को न देखा। हाँ, पहाड़ से उतरते समय, हाँ, उसने उन्हें आज्ञा दी, हाँ, कि जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुए में से जी न उठे, हाँ, तब तक जो कुछ तुमने देखा है, हाँ, और किसी से न कहना। ये बात, ये बाकी के चेले कैसा इतना स्पीड हो गए, बाकी के चेले क्यों यीशु के लिए इतना शहीद होने तक तैयार हो गए, इन्होंने भी पुनरुत्थित यीशु को क्या किया, देखा। उसके साथ पढ़ेंगे मत्ती 17:5। वह बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो, इसकी क्या करो, सुनो। चेले यह सुनकर मुंह के बल गिर गए और अत्यंत डर गए। पहले क्या समझते थे, थोड़ा हमसे बड़ा है बस इतना ही, ये भी नासरी तो है, हमसे भी गया गुजरा आदमी है, है ना, इसका क्या लुक है, हाँ, इसका क्या रहन सहन, थोड़ा सा तो मेरे ख्याल से ये वचन पढ़ते समय ऐसा लगता है थोड़ा तो यीशु को दर्जा क्या ही सोचे होंगे। अभी जब देख रहा है क्या किए, मुंह के बल गिर गए कि ये जो मेरे साथ था ये इतना बड़ा आदमी है करके मैंने कभी क्या नहीं किया था, क्योंकि इसके विषय में स्वर्ग क्या गवाही दे रही है, ये मेरा प्रिय पुत्र है। ये प्रकाशन मिला हुआ चेले यीशु के पीछे क्या करने लगे, इसको क्या, इनको क्या बोला गया, इसकी क्या करो, सुनो। जब लूका 9:35 पढ़िए। तब उस बादल में से यह शब्द निकला, हाँ, यह मेरा प्रिय पुत्र और यह मेरा प्रिय पुत्र यह मेरा पुत्र और मेरा चुना हुआ है, इसकी सुनो। यह शब्द होते ही यीशु अकेला पाया गया और वे चुप रहे और जो कुछ देखा था, हाँ, उसकी कोई बात उन दिनों में से किसी ने नहीं की। तमिल में यह वचन पढ़िए, लूका 9:35। हाँ, इवन हेरोदेस
येशु ओरुवरे कानपट्टार ये वर्ड को इंग्लिश में पढ़िए Jesus was found alone and they kept it closed and told no man in those days any of those which they had seen. इसका अर्थ मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ये वचन का अर्थ क्या है? इन्होंने यीशु को अकेला पाया, इसका मतलब यीशु को अकेला नहीं पाया, अब ये किसके साथ पाए गए? कभी शब्द सुना, कहा गया इसकी क्या करो, सुनो, उस दिन से लेकर मनपूर्वक किसके हो गए? यीशु के हो गए। यीशु को अकेला पाया का अर्थ क्या है? आइए, पहले के ग्रुप में था क्या, इसका मतलब क्या है? इस यीशु के साथ अपने आप को इन्होंने क्या किया, पाया। कैसे बोलेंगे इसको, दूसरा चेंज द वॉइस, समझ में नहीं आया विषय। ये देखो देखो देखो, इधर भीड़ नहीं है, इन लोगों को अकेले लेके गया था, सब मीटिंग होते समय इधर एक आवाज सुनाई दे रहा है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, तुम इसकी क्या करो, सुनो। बाद में इन्होंने यीशु को अकेला पाया, इसका मतलब इनके पास शायद और कुछ था, उससे हटकर ये किसके हो गए? यीशु के हो। मैं अभी भी नहीं समझा, ये यीशु के साथ तो अभी पहले भी नहीं, यीशु के साथ ही थे ना, लेकिन साथ में और भी कुछ था, वो दिखता नहीं, जैसे कि उन किसी को किसी चीज़ का गर्व था, किसी किसी को लालसा था, ऐसे बहुत चीज़ इनके साथ में था, लेकिन जब ये बात सुनाई दिया कि भाई अभी इसकी सुनो, मतलब यीशु के साथ चलते समय में बाकी आवाज़ को भी सुनते सुनते भी क्या कर सकते हैं, हो चल सकते हैं, ऐसी चल रहे थे ये लोग भी, नहीं तो इधर बोलने की जरूरत नहीं ना, इसकी सुनो, मतलब ये लोग अभी तक किसका सुन रहा था, ओ बाकी आवाज़ों को भी इन लोग क्या कर रहे थे, सुन रहे थे, अभी समझ में आ रहा है। अभी ये लोग अकेला पाया का मतलब वो जो बाकी आवाज़ थी ना, वो लाउड स्पीकर सब क्या हो गया, अभी बंद हो गया, अब किसकी तरफ केंद्रित हो गए, अभी समझ में आया। इतना उदाहरण मैंने बताने का कारण क्या है, उसका आवाज इतना धीमी है, सबका कान नहीं सुनेगा, सब लोग रीति रिवाज बराबर करेंगे, यार सब लोग पेंतेकोस्त के दिन में किधर आए, हाँ, लेकिन भक्त यहूदी मैं हूं या नहीं, ये आज जांच कर क्या करे, प्रार्थना करे, मेरा मन पौलुस के समान हो कि लाइव में तुझे क्या कर सकूं, देख सकूं, लाइव इन चेलों की तरह मैं आपकी वाणी को क्या कर सकूं, इतना दिन नहीं सुना, इसलिए बार बार बोलते सुन उसकी आवाज को, क्या कर, सुन, यही मेरा प्रिय पुत्र है जो आने वाला, प्रिय पुत्र बोलते समय अभी उसका मैं अभी तुलना अभी नहीं कर सकता हूँ, सब पुराने नियम से जुड़े हुए हैं, यीशु ही परमेश्वर है, ये चेले तब मान पाए जब उन्होंने पुराना नियम में की उन बातों को क्या किया था, सुना था, याद किया था, तब बोला, इसी के विषय में उधर भी क्या किया गया है, लिखा गया, तो यही मैं क्यों बोल रहा हूं, यीशु किधर भी नहीं बोला कि मैं ही परमेश्वर हूं, चेले प्रचार कर रहे यीशु ही प्रभु है, कैसे कर पाए, जो भक्त
भक्तिपूर्ण थे, उन्होंने देखा सुना और क्या हो गया, चेलों को वो रूपांतर पहाड़ में परिवर्तन हो गया, पौलुस को किधर रख के परिवर्तन हो गया, अरब में रखकर परिवर्तन हो गया, और पेंतेकोस्त के दिनों में वो जो भक्त यहूदी उधर परिवर्तन हो गया। मेरा क्या हाल समझ में आया? अभी आप क्या करना चाहते हैं? यीशु ही प्रभु है, ये मुझे क्या करना है, प्रूफ करना है। जबकि यीशु ने बोला नहीं, मैं ही परमेश्वर हूं। अभी यही बात को हम लोग अगला हफ्ता या संडे को देखेंगे, कवर करेंगे, लेकिन आज आपको मेरे से यही बोलना था, वो बारीक धीमी आवाज को सुनने वाला बनना है। हम है थोड़े ही, लेकिन वो बनना है।